हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। ये देखिए नया कितना अच्छा मेरा बाल बांधी है। ये रोज़ बांधती है, इसी तरह से बोलती है, मौसी जी दीजिए आपका बाल अच्छे से बांधूँ, आप अच्छा से नहीं बांधती है। देखिए डिजाइन कैसे बनाई है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बाल बांधवाने में, अच्छा लग रहा है ना। लो लगा दो। अरे राम जी, ये बाल बहुत नोचती है मेरा। ये नेहा मंगवाई है, उनको खस्ता खाने का मन कर रहा था तो बोली कि मौसी मुझे खस्ता खाने का मन कर रहा है तो बना दीजिए। तो मैदा लाई है, चीनी लाई है, रिफाइंड लाई है। खस्ता बनाने के लिए आधा किलो मैदा है, इसको चाल लिए हैं अच्छे से। ये चीनी है, इतना चीनी डालूंगी, इसको पीस के डालूंगी। ये सौंफ है, सौंफ खास्टा में डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए सौंफ ली हूँ इतना। और चीनी को पीस के तब इसमें डालेंगे और तेल डालेंगे। खास्टा में थोड़ा सा तेल डालते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है, तो इसलिए तेल डालेंगे रिफाइंड। मिक्सी मिक्सी उठा दो। चीनी पिसा गया है, मैदा में तेल डाल दूंगी। देखिए तैयार हो गया है मैदा, अब इसमें सौंफ डाल दूंगी। ये सौंफ इसमें खस्ता में डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है, एकदम मस्त आता है स्वाद इसका, बहुत ही अच्छा बनता है ये। चीनी भी डाल दे रही हूँ इसमें। मैदा को मैं ठंडे पानी से आटा लगाऊंगी, गरम पानी से नहीं लगाऊंगी। देखिए ठंडा पानी है, गरम पानी नहीं है। देखिए आटा लगा दी हूँ, इसी तरीके से आटा लगाना रहता है खस्ता के लिए। खस्ता को एकदम धीमी आंच पर बनाते हैं, तेज आंच पर बनाएंगे तो ऊपर का जल जाएगा, अंदर का कच्चा रहेगा, इसीलिए मैं एकदम धीमी आंच पर इधर ही बना रही हूँ। और इधर ये बन रहा है, देखिए एकदम धीमा आंच पर बना रही हूँ, हल्की आंच पर बना रही हूँ। आज देखिए पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा आज का, बहुत हल्का आंच है। नहीं तो तेज आंच पर बनाएंगे तो जल जाएगा। चलिए बन जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए खस्ता बन गया है, और सौंफ वाला खस्ता एक बार बना के देखिएगा, खा के भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे नया खा भी रही है, देखिए कैसा लग रहा है नया, अच्छा लग रहा है। इधर शिवम सोया हुआ है, आज पहली बार है कि ऐसे सोया है, नहीं तो ये सोता नहीं है, दिन में तो सोता ही नहीं है, तो ये सोया हुआ है। और चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।